तो देशद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना रुख साफ करने के लिए आज का वक्त दिया था। देशद्रोह कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल देशद्रोह कानून में बदलाव की समय सीमा को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है, भारत आजाद भारत में इसका क्या काम। पहले केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के देखते हुए अब सरकार ने राजद्रोह कानून में बदलाव का मन बना लिया है। आपको बता दें, ये दरअसल राजद्रोह का कानून है क्या, धारा 124A। अगर कोई व्यक्ति इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने की कोशिश का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। और ये राजद्रोह जो केस है ये गैर जमानती आरोप है, इसमें जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देशद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ने की वजह से हाथ में आरी की तरह जो पेड़ की जगह पूरे जंगल को काट दे, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी के तौर पर कही गई। और ये पूछा गया कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों है, जो आजादी के पहले का कानून बना हुआ है उसको अब आजाद भारत में इसकी इंपॉर्टेंस, इतनी महत्ता इतनी क्यों है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया और केंद्र को इस पर जवाब देना था। हालांकि अब केंद्र जो पहले ये कह रहा था इसे खत्म नहीं किया जा सकता, अब केंद्र का रुख थोड़ा सा बदला हुआ सुप्रीम कोर्ट में जरूर नजर आ रहा है। तो राजद्रोह कानून पर अदालतों की टिप्पणी के बाद अब यह माना जा रहा है कि इस पर केंद्र अपनी बात वापस कहेगा। लेकिन हां, केंद्र की तरफ से यह जरूर कहा गया कि यह पूरा जो ये राजद्रोह का केस है इसमें सजा जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सवाल क्या है सरकार से, राजद्रोह कानून के मामले में सरकार कितना समय लेगी, राजद्रोह के लंबित केस को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें। और साथ ही साथ सरकार विचार कर रही है तब तक क्या स्थगित क्यों ना करें इससे कानून, यानी ये सीधा सवाल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, पूछा गया, ये टिप्पणी की गई है कि भाई आप ये बताइए कि जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है ऐसा क्यों नहीं है कि ये राजद्रोह का केस अभी तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। 5 साल में आपको बता दें, देखिए किस तरीके से राजद्रोह के मामले सामने आए हैं। 2016 में लोग पकड़े गए थे, उसमें से 33% दोषी साबित हुए हैं। अब 2022 तक अगर आप ऐसे ही बढ़कर आते हैं तो देखिए करीब 2020 तक 44 पकड़े गए थे ऐसे मामले जिसमें से 33% ही दोषी साबित हुए हैं। यानी अगर हम इस केस को देखें तो राजद्रोह में गिरफ्तारियां बहुत होती हैं, लेकिन कई बार जब कोर्ट में मामला चलता है उसके बाद दोषी कम पाए जाते हैं। और इसी को लेकर अब कोर्ट सवाल उठा रही है कि आखिरकार ये पहले का बना हुआ कि जो राजद्रोह मामला है इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए। सेडिशन लॉ भी पुराने कानून है, वो कॉलोनियल लॉ है एक प्रकार से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा और किस तरीके से रखना है इस पे री एग्जामिनेशन होगा, रिकंसिडरेशन होगा। और इसके लिए हमने कोर्ट को बताया कि ये सरकार के ऊपर छोड़े और कोर्ट इस मामले में अपना समय व्यर्थ ना करे ताकि सरकार अपने तरीके से अपने विजडम में इसको सही तरीके से जो भी बदलाव लाना है, जो भी चीज जरूरत चीज है करना है वो हम करेंगे। और ये हमने कोर्ट को बताया। कोर्ट ने ये नहीं कहा था, बल्कि जो अभी अनुरोध आया है कोर्ट के सामने वो ये है कि आप नहीं सुनिए, हम लोग विधायिका के जरिए इसको बदलेंगे। ये उत्तर नहीं है कोर्ट के प्रश्न का। कोर्ट के प्रश्न ये था कि आपका स्टैंड क्या है और आपके स्टैंड को आप यहां लिख के दीजिए, हम उस स्टैंड को हम लोग करेंगे निर्णय। तो कोर्ट के निर्णय को आप रुकवा कर या बाधा डलवा कर या डिले या विलंब करके प्रक्रिया करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो कानून है ये विदेशों में भी था, लेकिन इससे बहुत पहले ही ब्रिटेन जैसे देश 10 साल पहले इसको बंद कर चुके हैं। और इसीलिए सवाल कि आखिरकार भारत में इसकी आवश्यकता क्या है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर केंद्र से जवाब चाह रही है।